हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्वोत्तर के इलाके में। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, जिसको आफ्सपा कहा जाता है। तो ये जो आफ्सपा है, इसके अंदर कुछ बदलाव जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर हाल ही में किए हैं। विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या है ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, क्या बदलाव जो है वो पूर्वोत्तर के इलाकों में इस एक्ट के तहत किए गए हैं, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स जो हैं वो इस कोड के साथ आपको स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। तो केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ये अनाउंसमेंट जो है वो करी है कि कुछ बदलाव डिस्टर्ब्ड एरियाज अंडर द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट या आफ्सपा जिसे कहा जाता है, उसके अंदर किए जाएंगे। दरअसल वो इलाके जहां पर किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस जो है वो होती है, वहां पर सरकार या आफ्सपा जो है वो लगाती है। और आफ्सपा के अंदर डिस्टर्ब्ड एरिया कौन सा है, इस बात को घोषित करने का अधिकार जो है वो सरकार के पास रहता है। तो उस अधिकार के तहत कुछ इलाकों में बदलाव जो है वो इस एक्ट के तहत किए गए हैं। उन बदलावों को यहां पर समझेंगे। आफ्सपा एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा अधिनियम है, इट प्रोवाइड्स स्पेशल पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेज टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, दो इट हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स अलेज्ड मिसयूज सेवरल टाइम्स। सशस्त्र बलों को कुछ अशांत क्षेत्रों में विशेष अधिकार जो है वो प्राप्त होते हैं, जिनका उद्देश्य दरअसल ये है कि वहां पर इन विशेष अधिकारों की मदद से शांति जो है वो बनी रहे, किसी प्रकार का कोई मुद्दा, कोई इशू जो है वो ना हो, इसलिए कुछ विशेष अधिकार जो है वो सशस्त्र बलों को प्राप्त होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि काफी ज्यादा क्रिटिसाइज जो है वो इस एक्ट को, इस अधिनियम को किया जाता है, इसकी काफी आलोचना की जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत बार इसका दुरुपयोग जो है वो हो रहा है, यानी कि ये स्पेशल पावर्स जो है इनको कई बार मिसयूज किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। तो आफ्सपा जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर के अंदर आज के समय में लगाया गया है। तो आफ्सपा जो है इसको बार बार रिपील करने की मांग उठती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आफ्सपा की आड़ में, इन विशेष अधिकारों की आड़ में बहुत बार जो इनोसेंट लोग हैं उन लोगों को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है, और बहुत सारे इनोसेंट लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, ऐसा कहना है इन रीजन के लोगों का जो कि इस एक्ट को अपोज करते हैं। और ये अब एक्ट जो है ये कहीं ना कहीं इस चीज की ओर इशारा करता है कि वहां पर सिनेरियो जो है वो सही नहीं है। तो जिन भी एरियाज में इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है वो डिस्टर्ब्ड एरियाज कहलाते हैं, और क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम डिस्टर्ब्ड एरिया जो है हमारे देश में, इस वजह से इस एक्ट के एम्बिट को कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रिसेंटली कम किया गया है, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो आसपास जो है वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर इसको रिड्यूस किया गया है, उसमें आते हैं नागालैंड, असम और मणिपुर। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से 4 में आफ्सपा जो है वो आज के समय में इंप्लीमेंट है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में यह एक्ट जो है वो लागू है। तो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स में ये एक्ट लगाया गया है, जिसमें 3 में से इसको रिसेंटली जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, इसके एम्बिट को, यानी कि एरियाज जो आसपास के अंडर आते थे, जिन इलाकों में विशेष अधिकार जो है वो सशस्त्र बलों को मिले हुए थे, वहां पर उस एरियाज को लिमिट किया गया है, यानी कि अब कुछ एरियाज में ही वो विशेष अधिकार एक्सरसाइज कर पाएंगे, जो कि इस ओर इशारा करता है कि बाकी रीजन जिनको इस एक्ट के एम्बिट से बाहर कर दिया गया है वो अब पीसफुल एरियाज एंड दे आर नो लॉन्गर द डिस्टर्ब्ड एरियाज अंडर दिस एक्ट। एक अलग नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन जो है वो बैक टू बैक जारी हुए। एक नोटिफिकेशन में नागालैंड, असम और मणिपुर में इस एक्ट की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको कम किया गया है, जबकि एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ एरियाज में इस एक्ट के जुरिस्ट्रिक्शन को एक्सटेंड किया गया है। तो पहले हम विस्तार से समझेंगे क्या है ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसे आफ्सपा कहा जाता है। ओरिजिनली ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा 1942 में इसको लागू किया गया था टू अपोज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन काफी ज्यादा मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार जो है वो फेस कर रही थी। तो उसके अगेंस्ट पहली बार 1942 में ब्रिटिश सरकार ने आफ्सपा जो है वो लगाया था, ताकि जो लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर कार्रवाई जो है वो की जा सके। लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में इसको लागू किया गया, उसके बाद जब भारत
आजाद हुआ तो 1947 में इसको एक ऑर्डिनेंस के जरिए कंटिन्यू रखा गया, यानी कि ये विशेष अधिकार जो है वो सरकार के पास रहे कि अगर कोई इलाका डिस्टर्ब्ड है तो वहां पर इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। 1947 के आगे इसको ऑर्डिनेंस के रूप में जारी किया गया, लेकिन उसके बाद 1958 में इसको एक अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया। इट वॉज इंप्लीमेंटेड एज एन एक्ट, जिसे आज हम आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के नाम से जानते हैं। ये लॉ जो है इट एक्सटेंड्स स्पेशल मिलिट्री पावर्स टू द आर्मी एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेज। सेना को और अन्य सुरक्षा बलों को कुछ विशेष अधिकार जो है ये एक्ट प्रोवाइड करता है। इन विशेष अधिकारों में आते हैं, अब जहां पर जिन एरियाज में ये एक्ट जो है वो इंप्लीमेंटेड है, वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, सुरक्षा बल है, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो कहीं पर भी जाकर के छापेमारी कर सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं विदाउट एनी अरेस्ट वारंट। तो किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है, अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो सस्पिशियस है, उसको उस पर शक है, तो शक के बिना पर किसी को भी जो है वो रेड किसी एरिया को, किसी घर को रेड किया जा सकता है या किसी को भी गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। तो ये कुछ विशेष अधिकार है। इस ये लॉ कहता है कि जब भी किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड घोषित कर दिया जाएगा, द सेंटर और बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन इंपोज एक्सेप्शनल पावर्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। जब भी कोई इलाका डिस्टर्ब्ड घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर केंद्र सरकार या उस इलाके के, उस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के गवर्नर या उपराज्यपाल जो है वो विशेष अधिकार दे देते हैं सुरक्षा बलों को कि अब आप जाकर के जिस जगह जहां आपको लगता है कि किसी प्रकार की गड़बड़ हो रही है, किसी पे आपको शक है, उसके बिना पर आप जाकर के रेड कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो डिस्टर्ब्ड एरिया वो होगा आफ्सपा के सेक्शन 3 में, जिस इलाके को घोषित कर दिया जाएगा कि ये डिस्टर्ब्ड है, वहां पर फिर ये एक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। द एरिया कैन बी disturbed due to differences or disputes between member of different religious, racial, language or regional groups or castes or communities. कोई भी इलाका disturbed जो है वो इस वजह से हो सकता है कि वहां पर कुछ regional dispute है या differences है किसी particular religions के बीच में, किसी racial language के बीच में, किसी regional group के बीच में, community के बीच में या caste के बीच में। तो इनमें से किसी भी base के ऊपर किसी इलाके को डिस्टर्ब जो है वो घोषित किया जा सकता है। और डिस्टर्ब घोषित करने का अर्थ ये है कि वहां पर केंद्र सरकार या फिर उस राज्य, अगर वो राज्य है तो वहां के राज्यपाल महोदय, और अगर वो केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इस लॉ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो चार मैंने आपको बताई, उसके अलावा इनिशियली जो है ये आफ्सपा जो है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगाया गया था, लेकिन लॉ को पंजाब, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्यों से जो है वो हटा दिया गया था। कौन लगाता है इस आफ्सपा को इंप्लीमेंट करने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, राज्य के गवर्नर हैं या केंद्र सरकार, उनके पास ये पावर है कि वो पूरी स्टेट को, किसी एक डिस्ट्रिक्ट को या किसी एक इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो घोषित कर सकते हैं। और डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने का मतलब है कि वहां पर विशेष अधिकार जो है वो सुरक्षा बलों के पास अब होंगे। इस आफ्सपा को लेकर के, इस एक्ट को लेकर के काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो लंबे समय से देखने को मिलती आई हैं। तो क्या कॉन्ट्रोवर्सीज है? दरअसल इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब पुलिस के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास बहुत स्पेशल राइट्स है, किसी को भी बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसको बार बार ड्रैकोनियन एक्ट जो है वो कहा गया है, क्योंकि स्वीपिंग पावर्स जो है वो आर्म फोर्सेस को दी जाती है, और बहुत बार ऐसा देखा गया कि इसका मिसयूज जो है वो आर्म फोर्सेस द्वारा किया गया। इट अलाउज देम टू ओपन फायर इवन कॉजिंग डेथ अगेंस्ट एनी पर्सन इन कंट्रावेंशन टू द लॉ और कैरिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। यानी कि डिस्टर्ब्ड एरिया में जहां पर ये एक्ट इंप्लीमेंटेड है, वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कॉन्ट्रावेंशन जो है वो करता है लॉ के साथ, कानून के खिलाफ जाता है, या कोई गोला बारूद आती है अगर वो पोजेस कर रहा है, तो उस पर गोली तक चलाने का अधिकार है, इवन अगर उसमें उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इनिशियली इसको जो है वो ये सोच करके लाया गया था कि क्योंकि ये रीजन्स कुछ डिस्टर्ब एरिया ऐसे हैं जहां पर कुछ लोगों की प्रेजेंस के कारण देश की सुरक्षा जो है वो खतरे में आ सकती है, तो ये विशेष अधिकार दिए गए थे। लेकिन कुछ केसेस में देखा गया कि इससे ह्यूमन राइट वायोलेशन जो है वो हो रहा है। अर्लियर ये लॉ कहता था कि अगर किसी की जान चली जाती है स्पेशल फोर्स, इस स्पेशल एक्ट के तहत, यानी कि जो सुरक्षा बलों के पास विशेष अधिकार है जिसपे वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी पे गोली तक चला सकते हैं, इसमें अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो उसमें इम्यूनिटी जो है वो आर्म फोर्सेस को मिलेगी, यानी कि उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो इसके दौरान नहीं होगी। यानी कि एक स्पेशल इम्यूनिटी उनके पास मौजूद थी, एक छूट उनको मिली हुई थी कि अगर
ये उन एरियाज में जहां पर ये एक्ट इंप्लीमेंटेड है वहां पर अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है उनकी कार्रवाई के दौरान तो उनसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं होती थी। लेकिन जुलाई 2016 में एक लैंडमार्क रूलिंग देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस इम्यूनिटी को एंड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसी कभी नौबत आती है कि किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो ऐसा नहीं है कि सुरक्षा बलों पे किसी प्रकार की प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं होगी, उन पर कार्रवाई हो सकती है, पूरे का पूरा तह तक जाया जाएगा कि किन कारणों से उस व्यक्ति पे गोली जो है वो चलानी पड़ी। माननीय न्यायालय का ये भी फैसला था कि इफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर डिप्लॉयड एंड एम्प्लॉयड टू किल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री ऑन द मेयर एलिगेशन और सस्पिशन दैट दे आर द एनिमी नॉट ओनली द रूल ऑफ लॉ बट ऑल्सो डेमोक्रेसी वुड बी इन ग्रेव डेंजर। यहां पर ये स्पेशल फोर्सेस जो है, ये स्पेशल पावर जो है वो आर्म फोर्सेस को ये राइट देती थी कि अगर आपको शक है, अगर आपको किसी पे आरोप है, अगर आपको किसी पे शक है कि ये व्यक्ति जो है वो देश का दुश्मन हो सकता है तो उसके ऊपर आप इस तरीके की ओपन फायरिंग तक कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आर्म फोर्सेस को ये अधिकार दे दिया जाएगा कि सिर्फ शक के बिना पर या सिर्फ आरोप के बिना पर वो किसी को मार सकते हैं तो इससे रूल ऑफ लॉ और साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र जो है, लोकतंत्र जो है वो भी खतरे में आ जाएगा। इस वजह से ये इम्यूनिटी जो है इसको 2016 में समाप्त कर दिया गया था। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, अब अभी तक की सिचुएशन से हमको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि आसपास जो है वो उन्हीं एरियाज में लगाया जाता है यहां जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, जहां पर पीस या देश की सिक्योरिटी को जो है वो कुछ खतरा हो। तो करंट स्टेटस जो है वो क्या है, आज ये पूरे तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के 31 डिस्ट्रिक्ट्स में, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 1 यूटी जम्मू कश्मीर, यहां पर जो है वो इंप्लीमेंटेड है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन स्पेशल पावर एक्ट जो है वो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 3 राज्यों से पूरे तरीके से हटा लिया गया था। मेघालय से 2018 में, त्रिपुरा से 2015 में और मिजोरम में 1980 में ये विड्रॉ कर लिया गया था। अब 7 में से 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, पूरे पूरे स्टेट में भी नहीं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, तो टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट्स में नॉर्थ ईस्ट के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक्ट जो है वो लगाया गया है। लेकिन रिसेंटली इसमें चेंजेस जो है वो किए गए हैं, वो बदलाव क्या है वो हम समझेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि नागालैंड के दीमापुर, न्योलैंड, चुमको दीमा, मौन, किफिर, नोकलेक, फेक, पेरन और जुन्हे बोटो जिले से जो है वो, इन जिलों को अब डिक्लेयर जो है वो कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ नागालैंड के यही 9 जिले जो हैं वो डिस्टर्ब्ड एरियाज होंगे, यानी कि सिर्फ इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स में आसपास जो है वो लगेगा। टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट जो है वो नागालैंड के अंदर मौजूद है। मोस्ट रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट जो है वो जनवरी 2022 में ऐड हुआ था। तो 16 जिले जो है वो प्रेजेंटली नागालैंड के हैं। 1995 से पूरे के पूरे नागालैंड में ये आसपास जो है वो लगा हुआ था, लेकिन अब 16 में से मात्र 9 डिस्ट्रिक्ट्स रह गए हैं। 7 जिले जो हैं वहां पर अब ये एक्ट जो है वो नहीं लगाया, यानी कि टोटल नागालैंड में से अब ये सिर्फ 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो डिस्टर्ब कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आफ्सपा के एम्बिट को यहां पर कम किया गया है। असम की अगर बात करें तो 1990 से ही पूरे के पूरे असम राज्य के अंदर आफ्सपा जो है वो लगाया गया था, लेकिन क्योंकि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो है वो सिचुएशन के अंदर देखा गया, धीरे धीरे चीजें जो है वो बेहतर हो रही हैं, तो 23 जिलों से पार्शली और 23 जिलों से पूरे तरीके से और 1 जिले से पार्शली जो है ये स्पेशल एक्ट हटा दिया गया है। द डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर आसपा विल बी एप्लीकेबल ओनली टू 9 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 1 सब डिविजन ऑफ आसाम। जहां पर ये जिन जिलों में ये एक्ट जो है वो अभी इंप्लीमेंट रहेगा आसाम के, वो है तिनसुखिया, डिब्रूगढ़, चराईदेवा, शिवसागर, जोरहत, गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग, वेस्ट कार्बी एंगलोंग और दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, और इसके अलावा लखीपुर सब डिवीजन ऑफ काचर डिस्ट्रिक्ट। काचर डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा, पूरा का पूरा जिला नहीं, एक हिस्से में सिर्फ जो है वो हिस्सा कौन सा है, लखीपुर सब डिवीजन है, वहां पर आसपास जो है वो लगाएगा। पूरे के पूरे राज्य में नहीं, अब लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये रिसेंट चेंजेस जो है वो सरकार ने किए हैं। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने भी ऐसी एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी करी है जिसके तहत द डिस्टर्ब्ड एरिया टैग विल नो लॉन्गर एप्लीकेबल इन 7 पुलिस स्टेशंस अंडर इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, 4 पुलिस स्टेशन अंडर इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड 1 पुलिस स्टेशन एरिया ईच इन थोबल, बिश्नुपुर एंड काचिंग एंड जिरीबम। तो टोटल पूरे के पूरे राज्य पे जो आफ्सपा लगा हुआ था, अब यहां पर 7 पुलिस स्टेशन जो है वेस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट के, वहां पर अब आफ्सपा जो है वो लागू नहीं होगा। 4 पुलिस स्टेशन जो कि इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वहां पर आफ्सपा लागू नहीं होगा, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ थोबल, बिश्नुपुर, काकचिंग एंड जिरीबम,
यहां पर हर एक जिले में एक एक पुलिस स्टेशन जो है वो अब यहां पे इस अफ्सपा के अंडर नहीं आएगा, यानी कि मेजर रिडक्शन जो है वो इन तीन स्टेट्स के अंदर, नागालैंड, असम और मणिपुर के अंदर देखने को मिली है। मिजोरम, त्रिपुरा आदि में तो पहले ही एक्ट जो है वो हटा दिया गया था, अब इन तीन राज्यों से भी जो है इसके एरिया को, इसके एम्बिट को रिड्यूस कर दिया गया है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश है जिसमें रिसेंटली इस एक्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो बढ़ाई गई है। तो तिराप, चांगलांग और लॉन्गिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर जो है वो आसपा अब अगले 6 महीने तक 1 अप्रैल 2022 से इंप्लीमेंट होगा। तो 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इसको, इसके एम्बिट को रिड्यूस किया गया है, जबकि एक जिला अरुणाचल, एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश, वहां पर 3 जिलों में इसकी जुरिस्ट्रिक्शन को जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ये कुछ बदलाव जो है वो लिए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब केंद्र सरकार किन्हीं इलाकों से आसपा के जुरिस्ट्रिक्शन को कम करता है, तो ये कहीं ना कहीं क्लियर मैसेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी आता है कि यहां पर इन एरियाज में अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बेहतर हो रही है, अब यहां पर समस्या जो है वो नहीं है। और केंद्र सरकार का भी यही कहना है कि ये फैसला इस वजह से लिया गया क्योंकि इंप्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन एंड फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट जो है वो यहां पर देखने को मिली है। लगातार एफर्ट्स जो है वो किए जा रहे थे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप सभी जानते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से काफी ज्यादा प्रभावित पूर्वोत्तर का इलाका है, तो यहां पर इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, यहां पर शांति बनाए रखने के लिए लंबे समय से एफर्ट जो है वो किए जा रहे थे। सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हो रहा था और फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के कारण ये रिडक्शन जो है वो हुआ है। और इसी तर्ज पर चलते हुए हम भविष्य में आने वाले कुछ सालों में अगर इसी तरीके से इंप्रूवमेंट सिक्योरिटी के अंदर पूरे के पूरे इलाके में देखने को मिलता है, तो शायद पूरे तरीके से इस एक्ट को यहां से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो है इसके बारे में हम बात कर रहे थे क्योंकि पूर्वोत्तर के इलाके में कुछ बदलाव जो है वो इस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत किए गए थे। आई होप हम विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, स्टेट पीसीएस हो, इन सभी के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको studyiq.com या studyiq के ऐप पर मिलेंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड SHUBH33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि मैसिव डिस्काउंट जो है वो आप इस कोड की मदद से ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।